हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट अचार की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है ये। नींबू हरी मिर्च का अचार है जिसको कि हम बिना तेल के बनाएंगे, इंस्टेंटली बनाएंगे। 2 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाता है और आप इसको 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी अचार है जिसको कि बहुत ही मिनिमम मसालों के साथ हम बनाएंगे। बिल्कुल आपको ज्यादा मसाले नहीं चाहिए, 2-3 चीजों से ये बनकर रेडी हो जाता है। कैसे बनाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हरी मिर्च ले लें। 250 ग्राम हरी मिर्च लेकर मैंने डंडी तोड़ दी उसकी, यानी कि मैंने स्टेम को तोड़ दिया। हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया और इसके बाद में इस तरह से लंबाई में 2 टुकड़ों में काट लिया। और हरी मिर्च आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इसके अलावा 500 ग्राम के करीब मैंने नींबू लिए, नींबू को भी मैंने धोकर पोंछ लिया। और नींबू के आप चाहें तो 4 टुकड़े करें या फिर आप उसके 8 टुकड़े कर सकते हैं। एक बार मैं आपको तरीका फटाफट से बता देती हूँ नींबू और हरी मिर्च को काटने का। तो आपको लेना है नींबू और कुछ इस तरीके से आपको काटना है इसको। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो इसके 8 पीसेस कर सकते हैं या फिर एक नींबू को आप चाहें तो 4 पीसेस में काट लीजिए, आपके ऊपर है। तो छोटे टुकड़े रहेंगे तो खाने में आसान होता है और बहुत जल्दी गलकर तैयार होता है। और हरी मिर्च को भी इस तरह से लंबाई में मैंने 2 टुकड़ों में काट दिया। तो सारी हरी मिर्च इसी तरह से काट कर रेडी कर लेंगे। हरी मिर्च को पहले से मैंने धोकर और पोंछ कर रखा है। इस तरह से हरी मिर्च के ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, साथ ही नींबू के ऊपर भी बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, नमी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कटा हुआ नींबू है और कटी हुई हरी मिर्च है जिसको कि प्लास्टिक के बर्तन में हमने रखा है। आप जब भी कोई भी अचार डालें, अगर ताजी अचार डाल रहे हैं तब भी, और अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखने वाला अचार डाल रहे हैं तब भी, आपको इसको प्लास्टिक के बर्तन में ही डालना होता है। अब देखिए, हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हमने जितनी क्वांटिटी में नींबू और हरी मिर्च लिया है उसके हिसाब से लगभग 5 खाने वाली चम्मच नमक जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 चम्मच नमक डल जाएगा इसमें बहुत आराम से। तो नींबू में खटास होती है, खटास के हिसाब से नमक ज्यादा पड़ता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अचार मैं आपको दिखा रही हूँ, इस अचार को आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको 1 वीक तक ही स्टोर कर सकते हैं। ये अचार हम बरसात के सीजन में बना रहे तो इंस्टेंटली बनाया जाता है और तुरंत ही खाया जाता है, यानी कि 1 वीक तक इसको बाहर रखकर आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक खाना चाहते हैं तो आपको इसको फ्रिज में रखना होगा। देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच के करीब हल्दी, साथ ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च मैंने यहाँ पर देगी मिर्च डाली है ताकि कलर अच्छा आए। तो आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने कलर के लिए देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और मिर्च तो वैसे ही बहुत ज्यादा तीखी है, हरी मिर्च तो वैसे ही तीखी होती है, तो लाल मिर्च डालने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली कलर के लिए हमने इसको डाला है। आप इस अचार को अगर छोले भटूरे के साथ खाएंगे ना तब भी आपको खाने में बहुत मजा आएगा। और ये अचार लगभग 1 से 2 दिन के बाद खाने लायक और भी ज्यादा रेडी हो जाता है। वैसे अगर आप इसको 2 घंटे के लिए भी ढककर रख देंगे ना तो 2 घंटे बाद भी ये खाने लायक रेडी होने लगता है। तो मैं तो इसको लगभग 2 घंटे बाद ही खाना शुरू कर देती हूँ, मेरे घर में तो खाने लगते हैं सब लोग। आप चाहें तो 1 दिन बाद भी खा सकते हैं, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर ले। 2 दिन में ये अच्छे से गलने लगता है, धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा नहीं गलता है, आप ये मत उम्मीद कीजिएगा कि नींबू पूरी तरीके से गल जाएगा। एक्चुअली थोड़ा खड़ा रहता है और ये इसी तरह से खाया जाता है। हरी मिर्च जो होती है उसका कलर हल्का सा चेंज होएगा और हल्की सी ये खट्टी हो जाएगी, साथ ही यहाँ पर जो नींबू है थोड़ा खड़ा रहेगा, थोड़ा सा ये गल जाएगा और बस यही मजा है इस अचार का। तो बनाकर देखिए गांव वाले इस अचार की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गांव वाला हरी मिर्च नींबू का अचार है, वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा इस अचार को बनाते हैं और बहुत टेस्टी लगता है, इजी भी है। आप देख सकते हैं बिना तेल के हमने बनाया है, बिना मसालों के बनाया है, सिर्फ अजवाइन डाली है इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च गई है, थोड़ी सी हल्दी है, हल्दी तो बहुत फायदा करती है। तो इस अचार को आप बनाकर देखें, खाकर देखें और अपनी इस रेसिपी को, मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही इसको दाल चावल के साथ खाएं, खाने में खाएं, कभी भी खाएं, बहुत टेस्टी अचार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।